दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा। जैसा कि आज की खबर के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम इन दोनों महान धुरंधरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो किसी को भी रातों रात सुपरस्टार बना देती है, तो बहुत से लोगों को रातों रात सुपरस्टार से भिखारी तक बना दिया है। कुछ भी हो सोशल मीडिया रातों रात आपको कई बार सातवां आसमान तक पहुंचा देता है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लोग इसी सोशल मीडिया की वजह से बर्बाद भी हो गए हैं। दोस्तों एक जमाना था जब लोग तलवार लेकर हाथों में भाले लेकर लड़ा करते थे, आज एक ऐसा जमाना आ गया जब लोग सोशल मीडिया पर लड़ते हैं और अक्सर आम जनता उसका मजा लेती है। ऐसे ही कुछ हो रहा है हमारे ये दोनों धुरंधरों के साथ, जो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा है, इन दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल सोशल मीडिया पर, आप सभी को पता है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा बरस रहे हैं कि पूछो मत, एक के बाद एक वीडियो दोनों निकाल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर वीडियो बनाई है, तमाम खबरों में चैनलों में आज के टाइम में विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी इन दोनों का मुद्दा छाया हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है ये तो आगे आपको पता ही चली जाएगा वीडियो में, परंतु आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है। दोस्तों कहानी क्या है आपको शुरू से बताता हूँ। दरअसल में आज से लगभग 9 दिन पहले संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो जारी करी। इस वीडियो में उन्होंने दो लड़कों का एक इंटरव्यू था जो अपने स्टूडियो में उन्होंने लिया हुआ था, जिन्होंने बताया था, और इस वीडियो में जो उन्होंने टाइटल दिया था वो था बिग स्कैम बिजनेस, मतलब जो बिजनेस के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर स्कैम हो रहे हैं उनको लेकर एक ये अवेयरनेस वीडियो इन्होंने बनाई थी। और क्या है ये वीडियो, कैसी थी, उसके कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं, देखिए। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर जो कोर्स को लेकर, एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए? आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ़ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ़ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे मिलो किसी भी तरह। बड़े लेवल पे गेम चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे सर। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जो समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बातों से वो ये है कि MLM में यूजुअली क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रोच करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। यहाँ पे गेम कुछ और ही चल रहा है, यहाँ पे जो पेरेंट्स है उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ये ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर एक बिजनेस को लेके, खास तौर से MLM के बिजनेस को लेके कुछ दो युवा लड़के थे जिनसे इन्होंने संदीप महेश्वरी जी ने बात करी, और इन्होंने बताया कि कैसे बिजनेस के नाम पे लाखों रुपए ले लिए जाते हैं और उसके बाद उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, और ऐसा हिंदुस्तान में होता भी है, लोग करते भी हैं। MLM बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में, और जिनको नहीं पता उनको हम बता भी देते हैं। MLM होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी इसमें आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपके एक 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में आपको बेची जाती है। जब आप 10 रुपये की चीज़ आप 100 रुपये में ले लेते हैं आपको पता चलता है आप बेवकूफ़ बन गए हैं। उसके बाद आपको कंपनी के लोग ये कहते हैं कि जैसे आप बेवकूफ़ बने वैसे आप 3 लोगों को ढूंढ के लगे आओ जिनको हम भी बेवकूफ़ बना सकें, उसके बदले में ये इनको कमीशन भी देते। तो ये कि ये मेम्बर बनाने की एक तरह की स्कीम होती है जिसमें एक पिरामिड टाइप में मेम्बर बनाए जाते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं इसका अक्सर MLM के अंदर वो तो पैसा कमाते हैं पर नीचे के लोग अक्सर बर्बाद होते हैं। तो इस तरह का ये बिजनेस चल रहा है, और जो कि अगर देखा भी जाए तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत प्रचलित है, बहुत सारे लोग इस स्कैम से के शिकार भी हुए हैं, और अक्सर लोग MLM का नाम सुनते ही भाग भी जाते हैं, और शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो MLM का शिकार ना हुआ हो, या उसके पास कोई उसका रिश्तेदार भाई बंधु MLM का प्लान उसके पास ना लेके आया हो। खैर ये तो एक MLM की बात है। उसके बाद क्या हुआ, संदीप जी ने ये वीडियो पोस्ट करी, तो इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उन्होंने स्कैम के बारे में बात करी थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, या ना उन्होंने विवेक बिंद्रा या बड़ा बिजनेस ऐसा कोई नाम नहीं लिया था। ये वीडियो पोस्ट करी उसके बाद यहीं से कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने विवेक जी ने फिर 5 दिन बाद संदीप महेश्वरी जी ने 5 दिन बाद फिर एक वीडियो पोस्ट करी जिसका नाम था
स्टॉप स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस, तो इस तरह की उन्होंने पोस्ट करी। जिसके बाद संदीप महेश्वरी जी की वीडियो डालने के बाद विवेक बिंद्रा जी ने लगभग 7-8 दिन पहले एक फिर दोबारा एक उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी विवेक जी ने, जिसमें उन्होंने संदीप महेश्वरी जी को रिप्लाई दिया था अपनी वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के अंदर विवेक जी ने कई बार संदीप महेश्वरी को धमकी दी है। धमकी मतलब क्या, उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के अंदर मैं क्या करूँगा, तुम देखना तुम्हें पता चल जाएगा, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे शब्द यूज़ किए हैं। क्या कुछ कहा था उन्होंने इस वीडियो में, उसके कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं, देखिए आप। कुरहाट के साथ आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होंगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, पहले आपसे पूछता हूँ स्कैम का मीनिंग क्या होता है, स्कैम का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन जानते हैं आप स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल स्कैम है, किस तरीके का स्कैम है। भाई आपको समझा देता हूँ, आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है। एक एक करके आपसे पूछता हूँ सवाल मैं, और आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं, सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना। तो दोस्तों, जैसे वीडियो विवेक बिंद्रा जी ने डाला था और उन्होंने कहा कि हम कोई किसी तरह का स्कैम नहीं करते हैं, हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बात में बोली। संदीप महेश्वरी जी के लिए भी बोला कि भैया उनको हम एक हफ्ते के अंदर दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब संदीप महेश्वरी जी ने ये वीडियो पोस्ट की थी, उसके बाद उन्होंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि विवेक बिंद्रा जी के लोग उनके घर गए और उनकी टीम को प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको ये वीडियो डिलीट करने के लिए, और कई तरह के लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह की एक पोस्ट उन्होंने डाली थी। दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट में विवेक बिंद्रा के लिए उन्होंने बकायदा एक लिखा कि 50 रुपये का कंघा किसी को बेचना स्कैम नहीं है, परंतु 50 रुपये का कंघा किसी गंजे को बेचना, और वो भी ये कह के कि इस कंघे को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल आ जाएंगे, और 50 रुपये के कंघे को अगर 50,000 का बेचा जाता है तो वो एक स्कैम है, इस तरह की कम्युनिटी पोस्ट डाली उन्होंने। और उसमें बकायदा उन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम लेके लिखा कि प्यारे विवेक, आप जो कर रहे हैं वो स्कैम है, इस तरह की बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने पोस्ट लिखी थी। उन्होंने ये तक कहा कि उनको उनके घर आके उनके एम्प्लॉय जो है धमका रहे हैं उनकी वीडियो। इसके रिप्लाई में विवेक बिंद्रा जी ने भी ये वीडियो डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करना कोई गलत काम नहीं है। वो जो संदीप महेश्वरी जी वो भी बिजनेस करते हैं, वो भी अपनी 20-20 हज़ार रुपये की एक एक फ़ोटो भेजते हैं, और एक एक मीटिंग के वो भी 20-20 लाख रुपये लेते हैं। अगर कोई इनके ऑफिस में इनसे मिलने के लिए आता है तो 9-9 लाख रुपये लेते हैं, ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने भी लगाया। फिलहाल हो ये रहा है कि इधर से संदीप महेश्वरी और इधर से विवेक दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे के बिजनेस की पोल खोल रहे हैं, और आम जनता उसका मजा ले रही है। दोस्तों, विवेक बिंद्रा ने कहा कि बिजनेस हम लोग कर रहे हैं और बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, और बिजनेस के एवज में अगर पैसे ले रहे तो उसमें क्या गलत है, परंतु इसी चीज को संदीप महेश्वरी ने कहा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के 10 की जगह अगर 1,000 रुपये आप ले रहे हैं या 10,000 रुपये ले रहे हैं तो वो एक अपराध है। खैर, ये सब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, सब दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के बिजनेस की पोल खोल रहे हैं, उल्टा सीधा एक दूसरे को कह रहे हैं, और इन सब चीज़ों में मजा ले रही है आम जनता। खैर, इसके बाद आज एक मजे की बात ये हुई है, आज संदीप महेश्वरी ने फिर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने इस वीडियो का मेन टाइटल दिया है, उन्होंने बकायदा एक हैशटैग दिया है, हैशटैग में उन्होंने लिखा है हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, ये उन्होंने हैशटैग दिया, और बकायदा इन्होंने देश की जनता को कहा कि भैया इस हैशटैग को आप वायरल करें, इसको फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग को यूज़ करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जितने लोग इस तरह के MLM के स्कैम में फंसे हैं या उसमें उन्होंने अपना पैसा डुबोया है, ये सब इसको रिपोर्ट करें। उन्होंने कुछ RBI की गाइडलाइन भी दिखाई, कुछ लॉ भी दिखाए हैं, उसके भी वीडियो के कुछ अंश आपको दिखाई थी, ये कुछ उनके वीडियो के अंश जो जो उन्होंने मेन मेन बातें कही हैं, ये भी देखिए एक बार। आप बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी के इंसान है कौन? ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर।
जब यहाँ पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भाई तू क्या करेगा, कर ले अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर, है ना। कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, और यहाँ पे आ भी जाएगा नीचे, और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको #StopVivekBindra। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि संदीप जी ने आज फिर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें आम जनता के लिए कही हैं, और बकायदा ये कहा कि #StopVivekBindra इस हैशटैग को यूज करें, इसको फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको सर्कुलेट करें। बकायदा इन्होंने ये तक कह दिया है कि अब ये विवेक बिंद्रा को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और इसके लिए उन्होंने इतना तक कहा है कि वो अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे, जबकि उनका चैनल मोनेटाइज है, वो एड रन नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो मोनेटाइज ऑन करेंगे अपना, जिससे रिवेन्यू से जो पैसा आएगा उसके लिए, उस पैसे से वो एक बड़ी से बड़ी एक लो फर्म हायर करेंगे और बड़े से बड़ा वकील हायर करके विवेक बिंद्रा जी का जो बिजनेस है इसको बंद कराएंगे। उन्होंने बकायदा इसकी कसम खा ली है, और आम जनता को इस तरह के स्कैम से बचने के लिए, दूर रहने के लिए बिल्कुल कहा है। और दोस्तों बकायदा इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो विवेक जो बिंद्रा हैं उनके साथ में जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा लिखाते हैं, संदीप महेश्वरी ने उस पर भी सवाल उठाया कि ये विवेक जो डॉक्टर आगे लगाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो ये कहाँ से डॉक्टर की उपाधि इनको मिली, कहाँ से इन्होंने डिग्री ली है, उस पर भी इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया। दूसरा साथ में उन्होंने आम जनता को कहा है कि जितने भी लोग इस तरह के स्कैम में फंसे हैं वो आए, उनको बकायदा मेल करें सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ में, और ये विवेक बिंद्रा को अब सबक सिखा कर रहेंगे। दोस्तों इनकी लड़ाई अब बड़े ही एक गंभीर उस पर दौर पर आ गई है। आज विवेक बिंद्रा जी का भी एक इंटरव्यू लाइव हुआ है, जिसमें विवेक बिंद्रा ने बकायदा कहा है कि अब अगर संदीप महेश्वरी जी कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो मैं उसको सिर्फ इग्नोर करूंगा, मैं उस पर कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, और ऐसा कोई मैं चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि हमारा फोकस है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में फंसना भी नहीं चाहते। और ये विवेक बिंद्रा ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है कि अब वो संदीप महेश्वरी की किसी भी वीडियो पर रिप्लाई नहीं करेंगे। खैर दोस्तों इनकी जो आपस की लड़ाई है, इस लड़ाई में जहाँ तक मुझे लगता है कुछ ना फायदा आम जनता का होने वाला है, खासतौर से उन लोगों को जरूर फायदा होगा जिन जो लोग इस तरह के स्कैम में बिजनेस स्कैम के नाम पर ठगे गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे और इस तरह के कितने स्कैम हमारे सामने आते हैं। वीडियो कैसी लगी है, आपको सही लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के बारे में खासतौर से संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा, इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत, अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर दें। और संदीप महेश्वरी जी के भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, विवेक बिंद्रा जी के भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में लोग इनको चाहते हैं। तो जब चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दुश्मन भी होते हैं, अब वो कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। कौन किसको कोर्ट में ले आता, कौन किसको जेल कराता है ये भी समय बताएगा। फिलहाल आप ये बताइए वीडियो आपको कैसे लगी है, और खासतौर से मैंने आपको फिर बताया था बड़ा बिजनेस के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, खासतौर से विवेक बिंद्रा जी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। संदीप महेश्वरी जो कि इस तरह का काम करते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी हर सर्विस फ्री में देता हूँ, उनके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।